हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं ये वाले लहंगे का जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। और ये लहंगा अमेजोन पे भी अवेलेबल है, सो मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए हम देख लेते हैं कि लहंगा हमें कैसा रिसीव हुआ है। आपने देखा कि लहंगा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और एज इट इज जैसा इमेज में दिख रहा था हमें वैसा ही रिसीव हुआ है। पिंक कलर का है, एकदम डार्क पिंक है, इसे रानी कलर बोलते हैं। और इस पे एम्ब्रॉयडर का वर्क है गोल्डन कलर में, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो मटेरियल की बात करो तो ये सिल्क प्लस पॉलिस्टर मटेरियल मुझे रिसीव हुआ है। वर्क की बात करो तो एम्ब्रॉयडर वर्क है और काफी अच्छा फिनिशिंग वाला वर्क है, एकदम चिप क्वालिटी वाला वर्क नहीं है। और ये पूरा स्टिच लहंगा है, सो ये स्मॉल टू लार्ज को आराम से आ जाएगा, एक्सेल डबल एक्सेल इसे वेयर नहीं कर सकते। और इसके घेरे की बात करूं तो नॉर्मल सा घेरा है, बहुत ज्यादा घेरा नहीं है, बट इसके लिए मैंने 1000 रुपीज पे किए हैं, तो 1000 रुपीज में मुझे पैसा वसूल लगता है। सो अंदर हमें अच्छा खासा इनर दिया है, ये भी सिल्क मटेरियल में है और इसका भी क्वालिटी काफी अच्छा है। सो ये लहंगे का क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा है। सो नेक्स्ट हमें ब्लाउज पीस रिसीव हुआ है और ब्लाउज पीस हमें दो पार्ट में मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है, ये आगे का पार्ट है और ये आप स्लीव्स के पास यूज कर सकते हो। और ब्लाउज पीस पे भी अच्छा खासा एम्ब्रॉयडर का वर्क दिया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सेकेंड पार्ट हमें कुछ इस तरह से मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है पीछे के साइड भी, और ये आप स्लीव्स के पास यूज कर सकते हो। और ये मटेरियल कुछ इतना सा हमें रिसीव हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सो मटेरियल की बात करूं तो ये भी मुझे सिल्क प्लस पॉलिस्टर मटेरियल लग रहा है और मटेरियल भी काफी अच्छा है। सो ब्लाउज पीस भी मुझे अच्छा रिसीव हुआ है, बट अगेन मुझे ये थोड़ा सा कम लगता है। नेक्स्ट मुझे दुपट्टा रिसीव हुआ है जो बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, अच्छा खासा हमें दुपट्टा रिसीव हुआ है। नेट का मटेरियल है और बीच बीच में कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडर का वर्क भी दिया है और यहाँ पे बॉर्डर भी दी है हमें पिंक कलर में। सो दुपट्टा कुछ इस तरह से है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो ओवरऑल ये लहंगा मुझे काफी पसंद आया है। इसका जो लहंगा है वो पूरा स्टिच है, सो हमें टेलर को और एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा स्टिच लहंगा मिल जाता है। और ये लहंगा स्मॉल टू लार्ज आराम से वेयर कर सकते हैं। और इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा है और दुपट्टा भी मुझे काफी अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं लगा है मुझे दुपट्टा। सो अगर इसे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 4.5 रेटिंग दूंगी। 1 पॉइंट सिर्फ इसलिए कट होते हैं क्योंकि इसका जो ब्लाउज पीस है वो मुझे थोड़ा सा कम लगता है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे पूरा पैसा वसूल लगता है। सो चलिए हम इसे वेयर करके देख लेते हैं कि लुक में कैसा लगता है।